ऋषिकेश मुखर्जी, इंडस्ट्री ऋषिदा के नाम से बुलाया करती थी। सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, आशीर्वाद, बावर्ची, नमक हराम, अनाड़ी, क्या क्या फिल्में दी हैं दादा ने। किसने दी उन्हें प्रेरणा इस क्रिएटिव फील्ड में आने की, सुनिए। हुआ यूं कि ऋषिदा का सपना तो था बायोकेमिस्ट बनने का, और बीएससी करने के बाद अचानक उन्हें शौक लग गया फोटोग्राफी का, और फिल्म लेबोरेटरी में कुछ दिन काम करने के बाद 40s के एंड में उन्होंने कलकत्ता में बीएन सरकार के थिएटर में एज एन एडिटर काम करना शुरू कर दिया। यहां उन्हें बिमल रॉय साहब ने 1951 में मुंबई अपने साथ फिल्म एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए ऑफर किया। बिमलदा ऋषिकेश मुखर्जी को बेटे की तरह मानते थे और चाहते थे कि ऋषिदा आगे बढ़ें, मगर ऋषिकेश मुखर्जी एडिटर और असिस्टेंट बनकर ही खुश थे। फिल्म दो बीघा जमीन के समय जब बिमल रॉय ने सलिल चौधरी से फिल्म का म्यूजिक करवाया, इस फिल्म की कहानी सुनी, तो उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को बोला, बड़ी अच्छी कहानी है, इसे लिख डालो। ऋषिदा ने स्कूल में कुछ कहानियां लिखी थी, मगर जब उन्हें इस फिल्म की कहानी लिखने को बोला गया तो वो घबरा गए और मना करने लगे। तब बिमल रॉय ने कहा, तुम बस 6 पेज में कहानी का जिस्ट लिख दो, सार लिख दो। और इस तरह जब वो लिखने बैठे तो 28 पेज लिख गए। बिमलदा ने देखा तो कहा, अच्छा है, आप पूरी स्क्रिप्ट लिख डालो। तब फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, मैंने कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं। एक बार फिर बिमल रॉय बोले, तुम लिखना तो शुरू करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। ऋषिकेश मुखर्जी ने हिम्मत जुटाकर स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। बीच बीच में बिमल रॉय का मार्गदर्शन मिलता रहा, कैसे सीन लिखना है, कटिंग पॉइंट क्या करना है, सीन को किस तरह से डेवलप करना है। तो इस तरह एडिटर के बाद राइटर भी बन गए, लेकिन अभी उनका डायरेक्टर बनने का सफर बाकी था, और इस सफर को पूरा करवाया दिलीप कुमार ने। एक बार जब दिलीप कुमार को ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी लिखी हुई कहानी सुनाई तो दिलीप साहब ने कहा, यह तो बहुत अच्छी कहानी है, तुम खुद इसे डायरेक्ट क्यों नहीं करते। ऋषिकेश मुखर्जी बोले, दादा मैं एडिटर हूं और मुझे एडिटर ही रहने दो, मुझे नहीं बनना डायरेक्टर। पर यूसुफ साहब नहीं माने और अड़ गए, उनसे बोला, तुम मुझे बताओ इस फिल्म में तुम्हें क्या चाहिए, कौन कौन से स्टार्स की जरूरत है। अब ऋषिकेश मुखर्जी भी सीरियस हो गए, उन्होंने कहा, किशोर कुमार चाहिए, सुचित्रा सेन चाहिए, और आपके साथ बनानी है। इस पर दिलीप साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, मेरे साथ किशोर का सीन और मेरे साथ सुचित्रा सेन कैसे लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, रहने दो भैया, मुझे तो यही कलाकार चाहिए। दिलीप कुमार ने बोला, देख लो, बड़ा रिस्क है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए इस फिल्म में कहानी की वजह से और तुम्हारे टैलेंट की वजह से बिना किसी पैसे के काम करने को तैयार हूं। और इस तरह ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्शन के फील्ड में आए, और इस तरह से ऋषिकेश मुखर्जी बन गए डायरेक्टर पहली फिल्म मुसाफिर से। तो एक बायोकेमिस्ट बनने का सपना देखने वाला बना फोटोग्राफर, फिर एडिटर, फिर राइटर, और अंत में हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर बनकर अपना नाम रोशन कर गए ऋषिकेश मुखर्जी। क्यों भराई आंखें लता मंगेशकर की मदन मोहन के लिए, क्यों मदन मोहन ने कहा कि लता आज जो तुमने कहा है उससे बड़ा सम्मान मेरे जीवन में कोई और नहीं हो सकता। मदन मोहन और लता मंगेशकर का किस्सा सुनाऊंगा वापस लौटकर, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।